बीच में जाना हूँ, बीच में जाना और कौन से जाना इतना सोचा तो मैंने तो जाना उसके मूवी देखूँ उतना मूवी पूरी याद है इस डायग्राम को आपको देखना है कि ये पीसमेक तो अपना क्वेश्चन है। अगला पीसमेकर क्या है, इसे जीवन रक्षक उपकरण क्यों कहते हैं, इसकी कार्य प्रणाली को सज्जन में समझाइए। ठीक है, मैंने भी आपको ऐसे नोट थोड़ा सा मिस्टेक है उसको सुधार लेना, ये ए बी नोट इसको ऐसे नोट लिखना था। ठीक है, ऐसे नोट तो जब इस डायग्राम को देखोगे तो ही आपको ऐसे नोट ए बी नोट अंतर भी समझाया था, अंतर तो समझा दिया। अगला क्वेश्चन है जो पेसमेकर क्यों दो नंबर में आता भी है, 2016 में भी आ चुका है। ठीक है, तो देखा ध्यान से, मनुष्य के हृदय के दाएं आलिंद की दीवार में उपस्थित ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर या गति चालक कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था हृदय जो मनुष्य का जो हृदय है, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियल या दाया आलिंद की पिछली दीवार पे सुपीरियर जो होती ना सुपीरियर वेना कावा होती है उसी के ओपनिंग के ही पास पाया था ऐसे नोड। तो क्या हमारे उसमें नोट्स में क्या लगा है, मनुष्य के हृदय के दाहिने आलिंद की दीवार में उपस्थित ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर या गति चालक कहते हैं। गति चालक मतलब समझ गए, पेसमेकर हृदय को चलाने वाला काम करता होगा इसका मतलब। ठीक है, हृदय का स्पंदन यहाँ से प्रारंभ होता है, जो हृदय में स्पंदन प्रारंभ होता है मतलब जो हार्ट बीट प्रारंभ होती है मतलब जो, तो उसको पेसमेकर का काम होता है। हृदय का स्पंदन यहाँ से प्रारंभ होता है तथा संपूर्ण हृदय में फैल जाता है। जो हमारे हृदय में सबसे पहले स्पंदन प्रारंभ होता है पेसमेकर से, इस ए बी नोड को ऐसे नोड बोलते हैं, और संपूर्ण हृदय में फैल जाता है। जब कभी किसी कारणवश ऐसे नोड का कार्य करना बंद कर देता है, मतलब कोई कारणवश ऐसे नोड अपना कार्य करना बंद कर दे या उसमें कोई क्षति हो जाती है, या तो उसमें कोई क्षति हो जाती है तो हृदय की गति धीमी या अनियमित हो जाती है। हृदय की गति कैसी हो जाती है, धीमी और अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, मतलब रेगुलर थी इरेगुलर हो जाएगी, नियमित रूप से नहीं चलेगी, और हृदय आवश्यकता अनुसार रक्त पंप नहीं कर पाएगा, मतलब जितनी हमें रक्त की आवश्यकता है उसको जो पंप नहीं कर पाएगा, जिसके कारण रोगी का जीवन खतरे में पड़ जाता है। जिससे कारण क्या होता है भैया, रोगी का जीवन खतरे में पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में शल्य क्रिया द्वारा मतलब ऑपरेशन द्वारा हृदय में कृत्रिम ऐसे नोड या कृत्रिम पेसमेकर लगा दिया जाता है, फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं, इसे आर्टिफिशियल पेसमेकर भी बोलते हैं, जिससे हृदय की कार्यविधि सामान्य हो जाती है। इसी कारण पेसमेकर को जीवन रक्षक उपकरण कहा जाता है। तो पेसमेकर देखो हमारा हृदय पहले चल रहा था, आपको पता है ऐसे नोड आवेग का उत्पन्न करता है जिससे आलिंद संकुचन संतुलन होते हैं, ऊपर वाले आलिंदों को नियंत्रित करता है, लेकिन कोई कारणवश ऐसे नोड अगर कार्य करना बंद कर दे तो हृदय भी कार्य करना में हृदय में संकुचन संतुलन नहीं होगा, तो हृदय क्या होगा, रक्त को पंप नहीं कर पाएगा अपने पूरे शरीर में जितनी जरूरत है, तो जी अनियमित गति करने लगेगा, फिर इसको ये दिक्कत आ जाएगी, तो मनुष्य बीमार पड़ जाएगा, डेथ भी हो सकती है, मर भी सकता है। तो क्या होता है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया ऐसे नोड और ए बी नोड में अंतर, ये तो आपको समझ में आ गया, और वैसे भी इसकी वीडियो और एक और डाली हमने, उसमें समझ लेना, वैसे डायग्राम को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा।